चीन ने गिलवान वादी में होने वाली झड़प की वीडियो रिलीज कर दी और इस वक्त भारत और भारतीय मीडिया पर हर तरह आग लगी हुई है कि किस तरह हमारे जवानों को चुन चुन कर चीन ने मारा है, और सिर्फ मारा नहीं बल्कि घुसकर भारत में आकर मारा और भारत के इलाके भी ले उड़े। जी हाँ, चीन ने लद्दाख और वाह गिलवान में भारत का बहुत सा इलाका ले लिया है और भारत अभी तक चीन से मुजाकरात करने की भीख मांग रहा है। इस वक्त भी चीन में दोनों मुल्कों की मीटिंग जारी है और हालात को कंट्रोल करने के लिए भारत इससे भीख मांग रहा है। तो दूसरी जन चीन ने कल की वीडियो रिलीज करके भारतीयों को रुला के रख दिया है। भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे 20 फौजी मारे हैं। हम मानते हैं, चीन भी तो माने कि उसके 45 फौजी मारे हैं। कल की रिलीज होने वाली वीडियो के मुताबिक चीन के 4 फौजी मरे हैं, जिनकी तस्दीक चीन ने जारी की और उनको खराज तहसीन पेश किया। लेकिन भारतीय अवाम में गुस्सा ये है कि भारत की 20 फौजी मारे तो ये 4 फौजी मार कर वापस कैसे आ गए। बस इसी को लेकर भारतीय मीडिया कल से चीख रहा है कि चीन एक बुजदिल मुल्क है, अपनी फौजों की हलाकत को तस्लीम नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया का रोना धोना आप भी सुनिए।